नमस्कार सैनिकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आप सब कैसे हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि सरकार जो मोदी जी हैं उन्होंने सामने से बोला है कि वो आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से मीटिंग करेंगे। तो एक डेट जो निकल के आई है, अपने पहले भी वीडियोज में बता चुकी हूँ, 4 दिसंबर 2023। तो अब यानी कि कल 4 दिसंबर 2023 को आने वाले हैं मोदी जी और हमारे सैनिक आमने सामने होगा, उनका आमना सामना बात करेंगे एक दूसरे से। सैनिक भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगे, मौका है कि आप अपनी जितनी परेशानियां आपको हैं, जिस चीज से आपको परेशानी है, जितनी परेशानियां हैं वो सब आप यहां पर कल मोदी जी के सामने बता दें उस मीटिंग के अंदर। और हमारा चैनल यही चाहता है कि मोदी जी आपकी मांगे मान लें, आपका जो हक जो मरता आ रहा है इतने समय से, ORP की बात कर लो, उस पर MSP की बात कर लो, उस पर डिसेबिलिटी पेंशन की बात कर लो, उस पर हमेशा जो है अफसर आपका हक खा जाते हैं, हक आपको बहुत कम मिलता है, मिलता ही नहीं है। तो वो सारी चीजें आप मोदी जी से डिस्कस करिए और हम सब भारतवासी भी आप लोगों के साथ हैं, सैनिकों के साथ हैं। सैनिकों को उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि सैनिक ही है जिसकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं। हमारा सैनिक किसी भी परिस्थिति में, चाहे धूप हो, बारिश हो, ओले गिर रहे हो, चाहे बम गिर रहे हो, वो बॉर्डर पे रहता है, वो बॉर्डर पे लड़ता है, तभी हम सुरक्षित अपने घरों में सो रहे होते हैं। हम सब कभी नहीं जान सकते एक सैनिक का दर्द क्या होता है, किस किस स्थिति में जीता है, अपने आप को संभालता है, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करता है, हम कभी भी उसका दर्द नहीं समझ सकते हैं। सैनिक भाइयों, आपका दर्द सिर्फ आप समझ सकते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप सबकी जो मांगे हैं, आप सबका जो हक है, वो आप सबको मिल जाए। हम सब आपके साथ हैं और कल ये जो मीटिंग होने वाली है, इसमें आप अपनी बातों को खुलकर सारी बातों को सामने रखिएगा। और यही उम्मीद है कि आप लोगों की बातें सुनी जाए और आप लोगों को आपका हक मिल जाए, चाहे ORP में हो, चाहे MSP में हो, चाहे आपका डिसेबिलिटी पेंशन में हो। इतने समय से, इतने सालों से जो आपका हक नहीं मिल रहा आपको, हमेशा कोई ना कोई बीच में आके आपका हक ले जाता है, वो हक आपको मिल जाए। और जो बोला जाता है कि इतने करोड़ रुपए आपको दिए गए हैं और आप लोगों को नहीं मिलते हैं उतने पैसे, जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, वो सारी चीजें भी आप कल की मीटिंग के अंदर क्लियर कर लीजिएगा। 4 दिसंबर 2023 को मोदी जी से ये जो आपकी मीटिंग होने जा रही है, इसमें सारे एक्स सर्विस मैन के लीडर्स हैं, वो जाएंगे वहां पर मीटिंग में। तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप वहां पर सारी बातों को क्लियर कर लीजिएगा। हम आखिर में हम सब यही चाहते हैं ना कि आप लोगों के साथ इंसाफ हो, आप लोगों को आपका हक मिल जाए, क्योंकि आप सरहद पे रहते हैं। जब हम अपने कमरों में आराम से बैठे होते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, कैसी मर्जी सिचुएशन हो, लेकिन हमारा एक सैनिक ही होता है देश का, जो लड़ रहा होता है, बॉर्डर पे तैनात रहता है, सुबह शाम दोपहर दिन रात हर समय, क्योंकि कभी भी आतंकवादी आ सकते हैं। उसे हमारी देश की रक्षा करनी होती है, वो हमारे देश के लिए समर्पण होता है और वो देश के लिए जीता है, देश के लिए शहीद हो जाता है। तो उसकी मांगे सुनना और उसको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को ये करना चाहिए। अब कल की मीटिंग में देखते हैं क्या होता है और फिर उससे क्या उस मीटिंग में क्या होता है और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। तो इसकी लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप लोग जय जवान जय किसान लिखेंगे, फिर आप अपना विचार लिखेंगे, आप क्या सोच रहे हैं मीटिंग में क्या होने वाला है, इस मीटिंग में आपको क्या लगता है मोदी जी आपकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, आपकी जो भी विचार है इस मीटिंग को लेकर, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान के साथ जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं हूं आपकी पत्रकार नैना शर्मा, फिर से मिलूंगी एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत।